तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि हमने माइनक्राफ्ट में एक मुर्गिया के लिए एक घर बनाया था। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इसी घर के बगल में एक बनाएंगे ऑटोमेटिक वेजिटेबल फार्म कह सकते हो। तो इसके लिए हमको कुछ डिस्पेंसर, हॉपर एंड स्टोन्स वगैरह का ज़रूरत है। तो फटाफट से उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक वेजिटेबल फार्म के लिए हम लोग यहाँ पर डर्ट का 12x7 का एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर 7 रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर फ्लो 7 ब्लॉक तक ही जाता है, इसके बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ पर 7x12 एक का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर डर्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के बाद हमको कॉबलस्टोन और जो आपका मर्जी जो स्टोन है उसका एक साथ का एक लेयर बनाना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमको एक गड्ढा डिग करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग वाटर रखेंगे, क्योंकि पानी के बगैर कैसे वेजिटेबल होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म 7 ब्लॉक तक हमको लगाना होगा ताकि यहाँ पर हम लोग वाटर डल सके। तो दोनों तरफ हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म बना लिया। एंड इसके बाद हमको जो डिस्पेंसर है उसको यहाँ पर लगाना होगा, जो बीच बीच में यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर ऐसे हम लोग रख देते हैं डिस्पेंसर को। तो यहाँ पर 2 डिस्पेंसर का शॉट है, तो फिलहाल उसको बाद में हम लोग क्राफ्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमको यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर पानी का बहुत ज़रूरत है। तो एक उस कोने पे एंड इस कोने पे लगाने से एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा। यहाँ पर से हम अनलिमिटेड वाटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमको दोनों तरफ वाटर फिल करना होगा। तो आप इस वाटर को ऊपर से ढक देते हैं ताकि थोड़ा बहुत लुक्स अच्छी हो जाए। एंड नीचे यहाँ पर कहाँ से पानी आ रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ओ हाँ, यहाँ पर अच्छा, इसको भी बंद करके नीचे भी हमको वाटर फिल करना होगा। तो पहले एक खाली बकेट नहीं, यहाँ पर एक स्टोन लगा देते हैं एंड वाटर आ जाना बंद हो गया। हाँ, तब यहाँ पर हमको इसको भी फिल करना होगा दोनों तरफ से। तो इसको भी फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर इस पत्थर को हटाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ ऐसे पानी का एक नाला टाइप करके उसके ऊपर कॉबलस्टोन से ढक दिया है। तो फिलहाल रात हो रही है तो अब हम लोग सो भी लेते हैं। हाँ, बेड लगाते हैं, यहाँ पर ही सो जाते हैं, घर के कौन जाएंगे। तो यहाँ पर अगला काम है हमको होई से इस पूरी की पूरी ज़मीन को इसी तरफ से ठीक करना है ताकि हम लोग यहाँ पर सब्जियाँ या फिर जो भी है वो उगा पाए। पूरा का पूरा ज़मीन को ही हमको करना होगा क्योंकि हम लोग पूरा में ही हम लोग ऐसे वेजिटेबल उगाएंगे। तो इसको फटाफट से फुल स्पीड में करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं पूरा का पूरा ज़मीन को यहाँ पर ठीक किया होई से। अब मुझे चाहिए कुछ हॉपर एंड चेस्ट, तो इसको क्राफ्ट करते हैं। तो हमारा फार्म का जो नीचे वाला साइड है वहाँ पर हम लोग लगाएंगे 2 चेस्ट एंड चेस्ट पे लगेगी हॉपर। एंड इस पूरी की पूरी जगह को मुझे हॉपर से यहाँ पर लगाना होगा ताकि एक हॉपर दूसरे हॉपर से कनेक्ट हो जाए एंड जो जो सब्जियाँ हमको मिले वो सीधा हॉपर के थ्रू चेस्ट पे चले जाए। तो इसको भी करते हैं पूरा। तो अब हमारा काम है यहाँ पर सब्जियाँ उगाना। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे व्हीट, बीट रूट, कैरेट्स एंड पोटैटो। तो यहाँ पर जो चार चार लैंड है उस चार चार लैंड में अलग अलग ये सब्जियाँ उगेंगी। तो इसको यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगेंगी व्हीट एंड इसकी बगल बगल में शायद लगेगी कैरेट्स। कैरेट्स तो मेरे पास, हाँ, बहुत ढेर सारा कैरेट्स है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले में कैरेट्स लगा देते हैं ढेर सारा एंड ऐसे ही नीचे में भी हमको लगाना होगा।
तो इसके बाद हमारा जो काम है वो है कि जो जो डिस्पेंसर हमने यहाँ पर लगाया है उसके अंदर एक एक बकेट वाटर फिल होना चाहिए, ऐसा बकेट उसमें डाल देना होगा ताकि अगर हम लोग बटन दबाए तो डिस्पेंसर से पानी निकल आए। तो डिस्पेंसर में पानी डालने के बाद हमारा काम है जो रेडस्टोन है उससे सारा का सारा डिस्पेंसर को कनेक्ट करना, एंड उस डिस्पेंसर में एक लाइन लगा के जो चेस्ट है वहाँ तक ले जाना। तो यहाँ पर चेक करने पर हमको पता चला कि एक रिपीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि करंट वहाँ पर डिस्पेंसर तक नहीं पहुँच रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक रिपीटर लगा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक वेजिटेबल और व्हीट फार्म रेडी है। यहाँ पर मैंने कोबलस्टोन को हटा के स्टोन ब्रिक्स लगा दिया क्योंकि इसका लुक्स कोबलस्टोन से अच्छी है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो बटन दबाने से यहाँ पर पानी निकला एंड सारा का सारा वेजिटेबल एंड व्हीट इस हॉपर के थ्रू हमारा चेस्ट पे चला आया। एंड चेस्ट पे भी चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर चेस्ट खोल के यहाँ पर सारा का सारा हमारा जो सब्जियाँ या व्हीट सब यहाँ पर चेस्ट में आ गया। तो हमारा व्हीट फार्म ऑटोमेटिक फार्म सक्सेसफुल है। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, एंड मैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।